उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 29 नवंबर से पहले चुनाव कराने की बात कही है और ऐसे में उपचुनाव को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर अब विराम लग गया है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस बीजेपी पर उपचुनाव में देरी कराने का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने इस मामले में कहा, बीजेपी भले ही कितनी देर लगा ले, उपचुनाव में उनकी हार तय है। प्रदेश का किसान, बेरोजगार युवा सभी बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। आने वाले उपचुनाव में प्रदेश की जनता बीजेपी को उसके किए की सजा देगी और दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। गौरतलब है, लगातार उपचुनाव की तारीखों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, पर हाल ही में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके आधार पर चुनाव आयोग ने अब 29 नवंबर से पहले ही 27 सीटों पर उपचुनाव कराए जाने की बात कही है। गौ माता के लिए हमने 132 रुपए का प्रावधान किया, इन्होंने 20 रुपए कर दिया, तो खुश कौन है? ना मनुष्य खुश है, ना जानवर खुश है, ना पशु पक्षी खुश है। अब केवल खुश है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं। तो अब की बार ऐसा सबक सिखाने के लिए लोग बैठे हैं कि जिसकी कल्पना ना तो शिवराज सिंह जी ने की है और ना महाराज ने की होगी। अब की बार दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप देखिएगा और हम देखेंगे।